हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस। स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट गुजराती, चैप्टर 5 पार्ट 2। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 में। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 5 में पार्ट 2 गुजराती। ओके, सब्जेक्ट कौन सा है? गुजराती। तो यहाँ पर दी गई है 10 नंबर है, वांछो पण गाता गाता। तो यहाँ पर आपको रीड करना है कैसे, गाता गान गान गाते गाते। ओके, तो यहाँ पे है एक पोएम है जो उसको बोलते हैं गुजराती में गीत। आजे वनमा फरी थी महफिल हती, बधाए अलग अलग गीत गाया, कोयले गायू जंगल मा बोले कोयल कुकू, मोरे ललकारी ने गायू मन मोर बनी थनगनाट थनगाट करे, मारू मन मोर बनी थनगाट करे, दीपड़ो गावा आयो आ आ ई ऊ ऊ ऊ, ओ ओ औ औ औ, ऊंटे गायु चालवाना चालवाना रणमारे चालवाना, ऊंचा ऊंचा ऊंट अमे नीचा नहीं नमवाना, भम भमा भम 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 भमा भम भम, शियाळे गायु हाय हुकी हाय हुकी हाय हाय। बधा केवू मीठू मीठू गाए गाय, महफिल में बधा ने भारे मजा पड़ी। तो बच्चों, ये पोएम इतनी मस्त है कि आपको भी एक बार गाना गाना है। भले ही आपको उसका राग नहीं है, लेकिन आप इसको रीड करोगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये सड़ंग गाय ये राग के हिसाब से रीड हो जाती है। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है बच्चों? वनमा। क्या क्या था यहाँ पे? वनमा फरी थी महफिल हती, तो जंगल आता है ना, उसमें फिर से एक बार उन्होंने क्या किया था, महफिल की थी जो गाने की, तो वहाँ पे सबको अलग अलग गाना गाया, गीत गाया, अलग अलग गीत गाया, मतलब कि गाना गाया। तो कोयल ने क्या गाया? जंगल में बोले कोयल कुकू, तो जंगल में कोयल कैसे बोलती थी? कुकू। और मोर ने कैसे गाया? एकदम ललकार, मतलब कि थनगनाट, नाचते हुए मोर ने मोरबनी थनगनाट करे। ये गीत सुना है ना आपने, मार मन मोरबनी थनगाट करे कैसे। ओके, तो ये गाना गाया मोर ने। और दीपड़ा ने क्या गाया? आ आ ई ऊ ऊ, वॉवल्स, गुजराती वॉवल्स के हिसाब से ये यहाँ पे दीपड़ा ने गाना गाया। ओके, और ऊंट चालवाना रणमा चालवाना, तो ऊंट कहाँ पे चलता है ज़्यादा? रण होता है ना रेती का रण, उसमें वो ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पे सियाल ने क्या गाया? हाय हुकी हाय हुकी हाय। तो ये एनिमल्स ने अलग अलग राग से यहाँ पे गाना गाया था। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है 11 में, कहो अने लखो, तो आपको बोलना है और राइट करना है। तमने कोना गीत वधु गम्या, तो इस पोएम में से आपको कौन सा गाना पसंद आया, किसका? ऊंट का, शियाल का, दीपड़ा का, और कोयल मोर, जिसका भी आपको पसंद आया है। तो यहाँ पे आपको दो लाइन लिखनी है, दो दो। ओके, दो एनिमल्स के बारे में, तो फॉक्स है तो फॉक्स के बारे में आपको दो लाइन यहाँ पे लिखनी है, ऊंट और ऊंट के बारे में आपको दो लाइन यहाँ पे लिखनी है। तो आप योर सेल्फ आप राइट कर सकते हो, यहाँ पे देख के ही आपको राइट करना है, और आपको किसी की हेल्प नहीं है, आप खुद यहाँ देख के आप यहाँ पे लिख सकते हो अच्छी राइटिंग निकाल के। ओके, नेक्स्ट पेज में दिखेंगे। नेक्स्ट पेज में है और एक पोएम है, किसके बारे में है? झरना। एक झरणू दौड़ियू जातू तू, ए तो अधर थी पछड़ातू तू, पछड़ातू पछड़ातू तो ये हंसतू हंसतू जातू तू, एक झरणू सीम गाम ने खेतर पादर माँ हंसतू रमतू ए जातू तू, रमतू भमतू रमतू ए सागर माहिर समातू तू, एक झरणू अने कांठे पंखेड़ा पानी पीए अने नीरे नाना बाळ रमे, नीत आनंदे उभरातू तू एक झरणू। तो उसके लेखक कौन है? राइटर गोविंद भाई परिक। तो ये झरना पोएम किसने राइट की है? गोविंद भाई परिक को। ओके, तो यहाँ पे एक झरना के बारे में बताया गया है। झरणू क्या करतू तू? दौड़तू दौड़तू जातू तू, मतलब कि दौड़ के जाता था वो। अद्दर मतलब कि ऊंचा नीचे होता है ना पानी, जब ऊपर नीचे होके जाता है तो ऐसे अद्दर से पछड़ातू तू, और वो क्या करता था? हंसता था। वहाँ पे कौन खेलने आते थे? गांव के जो खेत है उसके पादर में वो बह रहा था झरना, तो वहाँ पे वो कैसे? रमतू भमतू, मतलब कि रमतू भमतू, मतलब कि यहाँ से वहाँ रमता भमता, रमता भमता, मतलब कि कैसे आप लोग खेलते हो वैसे ये भी झरना भी
रमते रमते वो सागर होता है ना, सागर बोलते, उसमें वो चला जाता था। तो वहाँ पे कौन आता था, उसके जो कांठा होता वहाँ पे पानी पीने के लिए पक्षी आते थे, पक्षी तो गुजराती में पंखी बोलते हो। ओके, वहाँ पे छोटे बच्चे भी खेलने के लिए आते थे, तो वो बहुत खुश होता था ये सब देखकर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए, चरणु शुशु करतु हतु, चरणु क्या थे पछड़ातु हतु, झरणु पड़ी जाए तो शू करे, झरणु क्या थी पसार थाय छे। तो यहाँ पे झरणु शुशु करतु तू हस्तु तू, गामने खेतर पादर में रमतु तू, सागर में समातु तू। तो ये आंसर आएगा, झरणु क्या थी पछड़ातु तू, अदर थी पछड़ातु तू, झरणु पड़ी जाए तो शू करे, झरणु पड़ी जाए तो सागर में समाई जाए, झरणु क्या थी पसार थाय छे, तो गाम ने खेतर के पाद, गाम के खेत है उसमें से वो पसार हो रहा था। झरणु छेले क्या पहुँचे छे, छेले सागर में, सागर होता है ना बड़ा, सबसे बड़ा दरिया होता है उसमें। जातु तू हस्तु जेवा बीजा शब्द बोलो, जातु तू हस्तु तू, भमतु रमतु और समातु अथड़ातु तू हस्तु जातु तू। तमे कोई नदी तालाब के दोध में नहाया हो तो तेनी बात कहो, तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, जही आप नदी में कहीं कभी नहाए हो, तालाब में दोध होता है जब बारिश होती है तब आप नहाए हो, तो आपको एक्सपीरियंस है तो आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर हम पीडीएफ के हिसाब से राइट करेंगे ये पोएम के बारे में। ओके, 14. गीत एक अनेक रीत, गीत एक रीत अनेक वार्ता, फरीथी सांभळी, आ वाक्य कोण बोले छे ते लखो। तो आगे हमने चैप्टर, तो ये पार्ट वन में से एक्टिविटी है गीत एक रीत अनेक, उसमें से आपको ये कौन बोल रहा है ये आपको यहाँ पे राइट करना है। सारे गम पद निशा अमे एक हरीफाई में जाइए, हाथी ने तमारो साथी बनाओ, आ छे गावानी हरीफाई, नाम छे गीत एक अनेक रीत, गाता पहला गरमा गरम भजिया खाई लो। तो ये कौन बोल रहा है वो आपको यहाँ पे राइट करना है। तो ये एक्टिविटी हम पीडीएफ के हिसाब से करेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज में देखेंगे, यहाँ पे भी पाना नंबर राइट करना है आपको, पेज नंबर, क्योंकि ये है आगे जो चैप्टर हम पढ़े हैं उसमें से ये एक्टिविटी दी गई है, और पंक्ति तो पाना नंबर, तो ये है ये तो उड़ू छानु मानु, तो ये कौन से चैप्टर का है, तो पार्ट वन चैप्टर टू थ्री चैप्टर टू का है ये। ओके, सेकंड, चक चक करता फर्रकता पजवे आँखों दाड़ो, तो ये झूला पर खेल बताओ, उलट मारी नीचे आऊ, जब जब बिजली था दौड़े बादल चारे कर, आप माँ उड़े सुपरमैन, बिजली चमके चम चम। तो ये एक्टिविटी आगे जो हम पढ़े हैं उस चैप्टर में से है, तो ये भी मैं आपको पीडीएफ के हिसाब से यहाँ पे पाना नंबर राइट करके आपको भेजूंगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फाइव का पार्ट टू कंप्लीट हो रहा है। तो आपको जो एक्टिविटी पीडीएफ के हिसाब से दे जाए वो एक्टिविटी आपको अच्छी तरह से आपकी नोटबुक में राइट करना है आपको, और अच्छी राइटिंग निकालना है, और आपको राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए आपको एक एक पैराग्राफ आपकी नोटबुक में रोज एवरीडे यू हैव टू राइट वन पैराग्राफ। ओके, गुजराती सब्जेक्ट का आप रोज एक पैराग्राफ राइट करोगे तो आपकी अच्छी राइटिंग आएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।